फेमस जर्नलिस्ट और न्यूज चैनल आज तक के कंसल्टेंट एडिटर सुधीर चौधरी के खिलाफ कर्नाटक पुलिस ने FIR दर्ज की है। क्या है पूरा मामला आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, मैं हूं प्रेरणा सागर और आप देख रहे हैं द वोकल न्यूज। दरअसल सुधीर चौधरी पर आरोप है कि उन्होंने न्यूज चैनल पर अपने शो के दौरान सांप्रदायिक सद्भाव के खिलाफ साजिश रचने का काम किया है। समुदाय के खिलाफ नफरत को बढ़ावा देने के आरोप में सुधीर चौधरी के खिलाफ बेंगलुरु के शेषाद्रीपुरम थाने में IPC की कई धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई है। इस बीच BJP ने सुधीर चौधरी पर FIR को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने बताया कि कर्नाटक अल्पसंख्यक विकास निगम KMDC के सहायक प्रशासक शिव कुमार की शिकायत पर बेंगलुरु के शेषाद्रीपुरम थाने में चैनल आज तक और इसके कंसल्टेंट एडिटर सुधीर चौधरी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 505 153A के तहत FIR दर्ज की गई है। लेकिन सुधीर चौधरी पर क्या आरोप लगाए गए हैं? FIR के मुताबिक 11 सितंबर को अपने शो ब्लैक एंड व्हाइट में सुधीर चौधरी ने दावा किया था कि कर्नाटक सरकार ऐसी योजना चला रही है जिसका लाभ केवल अल्पसंख्यकों को मिलता है, गैर अल्पसंख्यक हिंदुओं को इसका फायदा नहीं मिलता, सरकार राज्य में अल्पसंख्यक तुष्टिकरण कर रही है। इसके साथ ही चौधरी ने ये दावा भी किया कि इससे हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है। इस शो के बाद शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया, इस तरह की खबरें प्रकाशित करके हिंदुओं और अन्य धर्मों के बीच नफरत फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। ये अशांति का माहौल बनाने और सांप्रदायिक दंगे भड़काने का भी प्रयास है। वो जो बात कर रहे हैं उससे पूरी तरह वाकिफ होने के बावजूद ऐसी खबरें प्रकाशित कर वो राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश रच रहे हैं। अब इसका रिप्लाई देते हुए सुधीर चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, कर्नाटक में कांग्रेस सरकार द्वारा मेरे खिलाफ FIR दर्ज करने की जानकारी मिली। सवाल का जवाब FIR, वो भी गैर जमानती धाराओं के साथ, यानी गिरफ्तारी की पूरी तैयारी। मेरा सवाल ये था कि स्वावलंबी सारथी योजना में हिंदू समुदाय शामिल क्यों नहीं है? इस लड़ाई के लिए मैं तैयार हूँ, अब अदालत में मिलेंगे। BJP IT सेल के हेड अमित मालवीय ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी और सुधीर चौधरी पर FIR को लेकर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने जो अधिसूचित किया था उसे केवल रिपोर्ट करने के लिए आज तक के सुधीर चौधरी के खिलाफ FIR बेहद निराशाजनक है। आप ऐसे तुष्टिकरण में शामिल नहीं हो सकते। सुधीर चौधरी और मीडिया में कोई भी जिसे दुष्ट कांग्रेस डराने की कोशिश करती है उसे हर अच्छे भारतीय का पूरा समर्थन है। जब भारत ने इंदिरा गांधी के आपातकाल के DNA को कुचल दिया। इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि न्यूज चैनल पर भी आरोप लगाए गए हैं। शिकायत में आरोप लगाया गया कि न्यूज चैनल ने इस खबर को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हुए कहा कि ये केवल सामान्य रूप से अल्पसंख्यकों और विशेष रूप से मुसलमानों के लिए है जिससे हिंदुओं के साथ अन्याय हुआ। यह खबर झूठी और दुर्भावनापूर्ण है। इसका उद्देश्य समाज में सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काना है। वैसे आपके अकॉर्डिंग सुधीर चौधरी पर लगाए गए ये आरोप सही हैं या गलत, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर भी क्लिक करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ डेली की ताज़ा खबरों के लिए हमारी वेबसाइट thevocalnews.com को भी विजिट कर सकते हैं।